requested Professor Dr. Divya Tawar, ma'am, who is cyber security expert and founder of Divya Foundation, to kindly address the gathering. Dr. Divya Tawar. Good morning, everyone. कैसे हो आप लोग? सारे ठीक? सर्दी लग रही है क्या? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी हैप्पी न्यू ईयर एंड थैंक्स अ लॉट फेम फाइंडर्स फॉर इनवाइटिंग मी अगेन एंड थैंक्स अ लॉट एवरीवन सिटिंग ऑन द डायस, थैंक्स अ लॉट. आज मैं आप लोगों से ना एक बहुत अच्छी चीज़ कहना चाहती हूँ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इज 100% साइंस. क्योंकि मुझे 2022 में जब मनोज सर ने इन्वाइट किया फेम फाइंडर्स ने, तो मेरे को मैंने उनसे पूछा कि भाई मैं साइबर सिक्योरिटी की हूँ, आपने मुझे क्यों बुलाया? तो उन्होंने कहा कि मैम एक लेक्चर हो जाए आपका साइबर सिक्योरिटी पे. और उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि हाउ साइंस आवर नॉर्मल बिहेवियर, हमारी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा स्क्रिप्टेड है व्हेन इट कम टू एस्ट्रोलॉजी. तो एस्ट्रोलॉजी के बारे में अगर बात करें, जैसे यहाँ पे सारे के सारे लोग काफ़ी ज़्यादा अपनी फील्ड के अंदर महारत हासिल है, मैं अभी लर्न कर रही हूँ. और अगर इफ़ आई एम इनकरेक्ट तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कर लेना, क्योंकि मैं अभी भी सीख रही हूँ. तो इसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ है, हमारे अंदर 9 प्लैनेट्स है. एवरीबडी नो 9 प्लैनेट है ना? हमारे अंदर 9 प्लैनेट्स है. जो हमारे माँ बाप हमें ज़िंदगी में सिखाते हैं वही 9 प्लैनेट है. सूर्य, सुबह उठो, टाइम से उठो, डिसिप्लिन रखो, ऑफकोर्स कर्म के लिए सैटर्न, क्योंकि ये वाला साल 2028 जिसे कहते हैं ना कि 8 नंबर, जैसे सर ने कहा ना 2 0 2 0 हैं, 1 0 हमें ऊपर लेके जाएगा, 1 0 हमें नीचे लेके आएगा. तो बहुत ज़रूरी है हमारे कर्म को करना और ढंग से करना. उसके बाद आती है हमारी बुध ग्रह, यानी कि हमारी बुद्धि. किसके साथ भी हो वो वैसा बन जाएगा, बुध ग्रह की जिसे कहते हैं ना करेक्टरिस्टिक है. उसके बाद गुरु, गुरु यानी कि जीव कारक. हम लोग जो हम सारे के सारे गुरु हैं, जैसे हम लोग रहते हैं वो हमारा गुरु है. एंड उसके बाद हमारे लग्जरी प्लैनेट यानी कि वीनस. वीनस के बाद हमारे पास आएगा कि जैसे हम मंगल, मंगल इज करेज. तो सारे प्लैनेट आप लोगों के अंदर हैं. अगर कोई चीज़ हमें देती है ना कि हम लोगों को करना है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अलग, तो वो हमारा राहु है. और 2000 जब से कोरोना आया राहु काल स्टार्ट हो गया. राहु काल क्या है? साइबर सिक्योरिटी वर्चुअल वर्ल्ड. वर्चुअल वर्ल्ड में हम कैसे कह सकते हैं कि जो हमें दिखता है, जो हमें प्यारा लगता है, जो हमें बहुत अच्छी चीज़ें लगती है, सुबह उठ के अपना व्हाट्सअप चेक करना, वो हमारा राहु काल है. उसके बाद अगर सबसे अच्छे प्लैनेट की बात करें, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, दैट इज़ केतु, सबको छोड़ने का कारक. तो सारे प्लैनेट हमारे अंदर है. हमें अपने अंदर अगर सेटिस्फैक्शन लानी है तो हमें छोड़ना आना चाहिए. और अगर हमें अपनी ज़िंदगी में सुखी करना है तो हमें राहु की तरह नहीं बनना, क्योंकि आपके नंबर ऑफ लाइक्स, डिसलाइक, आपका सोशल मीडिया अकाउंट, आप लोग क्या एक्टिविटीज़ करते हैं सोशल मीडिया पे, जो आपके लिए बहुत बहुत प्रॉब्लमेटिक है, तो आपको उनका ध्यान रखना होगा कि मैं किस तरीके से सोशल मीडिया पे इंटरेक्ट कर रहा हूँ. अगर कोई लड़की आपको रात को 11 बजे मैसेज करे, ब्लॉक हर नहीं करना, क्योंकि आपके हिसाब से आपको जो भी लड़की मिल रही है रात को 10 बजे के बाद, या आपको लग रहा है कि आपके साथ की आपकी जैसे कहते हैं ना आपकी पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो वो आपके लिए नहीं बनी, वो आपको फंसाने के लिए बनी है. दैट इज़ द ओनली थिंग. जो मैं कहती हूँ ना, साइबर सिक्योरिटी के केसेस आते हैं मेरे पास कि लोग फंसते हैं, सारे फंसते हैं, क्योंकि लस्ट से ज़्यादा हो गया हमारी डिज़ायर से कि छोटी से छोटी चीज़ पर भागना. अगर मुझे लग रहा है कि लॉटरी या पैसे या OTP या डिस्काउंट कूपन मेरे पास ज़रूरत से ज़्यादा आ रहे हैं, उसका मतलब यही है कि कोई तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है. किसी को अपना OTP मत दीजिए. तो आई वॉन्ट टू से कि एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल कनेक्टेड है हमारे साइबर वर्ल्ड से, और ये डेफिनेटली अ साइंस है. और इसके बारे में मेरे से ज़्यादा बैठे हुए लोग वो बताएंगे, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं. मैं सिर्फ साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानती हूँ. थैंक्स अ लॉट एवरीवन फॉर लिसनिंग. थैंक यू. देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट.